नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज मैं आपको एमरेन 10,000 mAh मैगसेफ केपेबल वायरलेस पावर बैंक का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस पावर बैंक को मैं लगभग 1 महीने से यूज कर रहा हूं और यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छी लगी। तो अगर आपके पास भी आईफोन है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के शेयर भी आप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो इस तरह से आपको बॉक्स कुछ देखने को मिलेगी। यहाँ पे एमरेन की बैजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 mAh लिखी गई है, मेड इन इंडिया है। ये सबसे अच्छी मुझे लगी, वायरलेस पावर बैंक विथ मैगसेफ कैपेबिलिटी के साथ आपको मिल जाती है ये, और इतनी चीपेस्ट प्राइस में। यही एक ऐसी पावर बैंक है जो आपको बढ़िया क्वालिटी के साथ जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो तो कुछ चीजें जो है वो दी गई है जो कि आप देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज लगी, मल्टी लेयर चिपसेट प्रोटेक्शन के साथ आती है जो कि काफी अच्छी है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर और क्या कुछ मिल जाता है। एक तो ये आपको पावर बैंक मिल जाता है, क्योंकि इसे मैं यूज कर रहा हूं तो इसे मैंने बाहर रखा है, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस पावर बैंक के अलावा यहाँ पे आपको केबल जो है वो आपको देखने को मिल जाती है जब इसे आप बाहर करते हो तो। और मानो या ना मानो, ये केबल की क्वालिटी जो है ना, ये काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इतने हैवी केबल और इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ मुझे लगता है कि यही पावर बैंक में आपको देखने को मिलता है, वरना आपको कोई भी केबल चिपका दिया जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो आपको और देखने को मिलती है, जैसे कि ये कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, बाकी और भी कोई चीजें नहीं मिलती है। एक आध चीजें होगी वारंटी कार्ड वगैरह जो कि मैं बाहर रख चुका हूँ इसको, तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। सबसे बढ़िया चीज मुझे इसकी ये लगी कि यहाँ पे आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पे आपको पावर बटन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। USB-C टाइप की पोर्ट यहाँ पे आपको मिलती है और A टाइप की पोर्ट यहाँ पे आपको मिलती है। ये जो पोर्ट मिलती है इससे आप दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, और इस पोर्ट से आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर से आप C टाइप टू C टाइप से अपने और भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैगसेफ वाली लोगो जो है वो आपको मिलती है, यहाँ पे एमरेन के लोगो जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी कुछ चीजें जो है वो मेंशन की गई है। और इसके प्राइस की हम अगर बात करें तो ये आपको सेल वगैरह में 1700-1800 की मिल जाती है, और नॉर्मल दिनों में ये 2000 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाती है। इतनी कम प्राइस में 10,000 mAh की वायरलेस पावर बैंक जो है वो आपको दूसरी कंपनी की देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे इसकी मैक्स आउटपुट की बात करें तो 22.5 वाट आपको मैक्स आउटपुट देती है वायर के जरिए, और वायरलेस अगर आप चार्ज करते हो तो 15 वाट की मैक्स चार्जिंग जो है वो आपको दे देती है। जब भी आप इसे ऑन करते हो तो इधर आप देख सकते हो LED इधर दी गई है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी बची हुई है। और जब ग्रीन ये जलती है तो आपको ये भी पता चलता है कि ये फास्ट चार्ज आपके डिवाइस को दे रही है। तो ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी है, हालांकि प्लास्टिक बॉडी पूरी आपको देखने को मिलेगी। एक और बढ़िया चीज, यहाँ पे आपको स्टैंड भी देखने को मिल जाता है, और जब आप अपने मैगसेफ वाली डिवाइस को इससे कनेक्ट करते हो तो आसानी से आप इस तरह से वीडियो वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि मैं आईफोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इस तरह से आप इसे चिपका सकते हो और काफी अच्छी ढंग से चार्ज भी होती है। मैं इस डिवाइस को अभी मैं चार्ज करके दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको काफी लाइट वेट देखने को मिलती है, और आप आसानी से इसे आप कैरी भी कर सकते हो, आप बैग वगैरह में आसानी से ले जा सकते हो। जब भी आप मोबाइल के पीछे इसको लगाते हो तो इस ढंग से आसानी से ये चिपक जाती है, अगर आप आईफोन वगैरह यूज करते हो तो काफी अच्छी। और दोनों की वेट अगर मिलाकर देखो तो भी आपको काफी लाइट वेट जो है वो लगने वाली है, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। दूसरी बात क्या है कि इससे आप आईफोन 13 को 2 टाइम इजी चार्ज कर सकते हो, यानी कि फुल चार्ज आप 2 टाइम कर सकते हो। थोड़ी बहुत अगर आपकी बैटरी बच जाती है तो इससे आप स्मार्ट वॉच वगैरह एक आध बार और चार्ज कर सकते हो, 3 टाइम फुल चार्जिंग नहीं होती है। लेकिन इसकी और एक बात अच्छी लगी मुझे कि ये 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, अपने आप को चार्ज कर लेती है, और ये भी फास्ट चार्ज सपोर्ट करती है। तो ये काफी अच्छा मुझे लगा कि ये पावर बैंक इतनी कम प्राइस के बावजूद जो है इतने सारे फीचर्स दे रही है, इतनी हैंडी आपको पावर बैंक मिल रही है, ज्यादा वेट नहीं है, इसको आप इजी कैरी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है काफी अच्छी मुझे लगी। इस पावर बैंक के साथ आपको कंपनी की वारंटी 6 मंथ की मिलती है। चलिए मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ इस डिवाइस को। तो यहाँ पे मैं इसका ही केबल यूज करता हूँ,
तो सबसे पहले ये टाइप की पोट में डालो इसे, और इधर, और बढ़िया चीज ये लगती है कि अगर आपकी पावर बैंक जो है वो ऑफ है, फिर भी ये चार्ज आसानी से ले लेती है, यानी कि आप केबल के थ्रू इसे यूज कर रहे हो तो आपको बार बार पावर बटन दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और देखिए अभी फास्ट चार्ज सपोर्ट हो रही है, तो ग्रीन लाइट जो है वो भी ब्लिंक कर रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है, और काफी अच्छे और फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप आसानी से, अगर आपकी फोन की बैटरी 4300-4400 mAh की है, तो 2 बार ये जो है आसानी से चार्ज कर देती है। तो ये मुझे काफी अच्छी लगी, और 1 month यूज करने के बाद जो है इस पावर बैंक से मैं काफी सेटिस्फाई हूँ। और जब भी आप यहाँ पे मैगसेफ वाली एरिया में आप आईफोन को चिपकाते हो तो अच्छी तरह से चिपक जाती है, और बिना कवर के बहुत ही अच्छे ढंग से चिपकती है। अगर कवर आपका लगा हुआ है इस टाइप से तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब आप विदाउट कवर इसे यहाँ पे लगाते हो तो काफी अच्छे ढंग से चिपकती है। हालांकि मैगसेफ वाली जो बैक कवर आती है उसे अगर आप यूज करते हो तो काफी अच्छे ढंग से चिपका के इस तरह से आप मूवी वगैरह भी देख सकते हो, या फिर वीडियो अब वगैरह आप देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।